अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, स्वागत करती हूँ फिर से मेरे चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। आज हम बनाएंगे गोश्त के अचार। गोश्त के अचार बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है मटन 300 ग्राम्स। अब इसको एकदम छोटी छोटी पीसेस में काटना होगा, एकदम पतला पतला। ऐसे बोनलेस मटन लिया है मैंने, इसमें से चर्बी और चमड़ी वगैरह एकदम हटा दिया। अचार बनाने के लिए एकदम बोनलेस ही लेना चाहिए मटन। अब हम इसको एकदम छोटी छोटी पीसेस में काट लूंगी। पीस जितना छोटी होगा उतना ही अचार खाने में ज्यादा टेस्टी बनेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों में जो मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दिया, आज वीडियो देखते देखते एक लाइक कीजिए। और जो लोग पहले मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आज ही सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक कर दीजिए। अब मैं इसको विनीगर, व्हाइट विनीगर से भिगा कर रख दूंगी 4 से 5 घंटे तक। यहाँ पर मैंने 2 टेबल चम्मच भर भर के विनीगर डाल दिया। विनीगर मिक्स करके 4 से 5 घंटे तक भिगा कर रख देना चाहिए। इसको मैं रेस्ट में रख दिया। अब हमें रेडी करना है अचार की मसाला। यहाँ पर लिया है 2 चम्मच राजीरा, 2 चम्मच मिक्स मसाला 5 फोरन, धनिया साबुत धनिया और सरसों 2 चम्मच। इसको हम थोड़ा सा भून लूँगे, एकदम धीमी आंच पे। थोड़ा सा मसाले को भुनने के बाद एक मिक्सी ग्राइंडर में दरदरा कर पीस के रख दूंगी। अब 5 घंटा बाद मैंने इसको निकाला, गैस पर एक पैन चढ़ा दिया, उसमें डाल दिया सरसों का तेल, 1 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट और मटन डाल दिया। मटन ऐड करने के बाद थोड़ा सा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया जीरा का पाउडर ऐड कर दूंगी मैं, और अच्छे से मिक्स करके भून लेना है। नमक भी मैं स्वाद अनुसार ऐड कर दिया। ऐसे भूनते भूनते पानी जब सूख जाएगा एकदम, बन गया पूरा सूख गया पानी। अब हमें ऐड करना है अचार की मसाला। ऐसे दरदरा कर पीस कर रख दिया था मैंने, रेडी करके रख दिया था पहले, उसको मिक्स कर दिया। अच्छे से सारे मटन के साथ मिक्स करना है। अब हमें एक दूसरे पैन पर सरसों का तेल गरम कर लेना चाहिए। गरम तेल छान करके ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर दिया। एक नींबू काट कर ऐसे निचोड़ के नींबू का रस डाल दिया। अचार है भाई, थोड़ा तो खट्टापन होना ही चाहिए। नींबू का रस डालने से इसका स्वाद बहुत टेस्टी हो जाता है। अब मैं परोस कर एक कटोरी पर रख देती हूँ। इसको एक कांच की बोतल में ढालकर धूप में सुखाना है। इजीली आप 2 से 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप भी ऐसे घर पर बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। नेक्स्ट आप लोगों के साथ मुलाकात होगी फिर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।